मुड़िया संतों ने कराया मुंडन। सोमवार को मुड़िया शोभा यात्रा की तैयारियों को संतों ने अंतिम रूप दिया। सनातन गोस्वामी के शिष्यों एवं अनुयायियों ने सुबह 10 बजे मुंडन कराया। शोभा यात्रा बुधवार को निकलेगी। मुड़िया शोभा यात्रा को लेकर मान्यता है कि 466 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप से आए सनातन गोस्वामी चकलेश्वर स्थित भजन कुटी में भजन करते थे। वहाँ उनका गोलोकवास हो गया। उनके गोलोकवास होने तब पर उस समय उनके शिष्यों ने पार्थिव शरीर के निकट बैठकर सिर मुंडवाए थे। उसी परंपरा को कायम रखते हुए हर वर्ष मुड़िया संत गुरु पूर्णिमा पर मुंडन कराकर शोभा यात्रा निकालते हैं। वहीं सोमवार को श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में मुड़िया महंत रामकृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, अरुणदास, चेतनदास, हजारीदास, रविदास, गोपालदास, राधे श्यामदास, हरिकृष्णादास, साधनादास एवं बंगाली एवं विदेशी भक्तों ने मुंडन कराया। इसके अलावा राधा गोविंद मंदिर, इमली तला हनुमान मंदिर, सिद्ध बाबा चैतन्य महाप्रभु तीन कौड़ी नया मंदिर में भी साधु संतों ने मुंडन कराया। इस दौरान शिष्यों और अनुयायियों ने संकीर्तन भी किया। जी महाराज जी, आज जो मुंडन किया गया है कितने वर्ष पुरानी परंपरा है, और साथ ही साथ ये मुंडन पहले एक दिन पहले हुआ करता था, अब की बार 2 दिन पहले हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या कुछ खास अब की बार मुड़िया पूर्णिमा मेले में मुड़िया संत करने जा रहे हैं? जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरन की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। ठाकुर जी का असीम कृपा से 2 साल कोरोना काल चलने का उपरांत इस साल में मुड़िया पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत देश विदेश से भक्त लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये जो मुड़िया मेला है, इसको मुड़िया मेला में क्यों कहा गया, इसको क्या मान्यता है, ये सब विषय आज हम बताएंगे आपकी चैनल के माध्यम से। क्योंकि ये मुड़िया मेला 564 वर्ष पूर्व श्री सनातन गोस्वामी पाद हुए, जो गुरु पूर्णिमा हम लोग जानते हैं, ये गुरु पूर्णिमा सब देश विदेश में जितना सनातन धर्म अवलंबी है वो लोग मनाते हैं, लेकिन केवल गोवर्धन धाम में मुड़िया मेला होता है। ये मुड़िया मेला क्यों शुरू हुआ है, जो मुड़िया संत सनातन गोस्वामी पाद हुए चैतन्य महाप्रभु का प्रिय शिष्य पार्षद है, जिन्होंने श्री वृंदावन धाम को उजागर किए, प्रकाश किए है, उनका शरीर नित्य निकुंज लीला में प्रवेश होने का उपरांत जितना साधु संत थे और ब्रजवासी लोग, ये सब मिल करके उनको श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए अपना शीर मुरा करके उनको पार्थिव शरीर को डोली में सजा करके हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जो शोभा यात्रा किए थे, उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है। तो इसीलिए इसको नाम मुड़िया मेला हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अब की बार मुड़ियाओं ने जो मुड़ मुड़ाए हैं, मुंडन परंपरा का जो निर्वाण किया है, अब की बार 2 दिन पहले किया गया है, जबकि एक बार एक दिन में होता है जी। तो अब की बार ऐसा क्यों हुआ? इसलिए है कि क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा की जो शास्त्र है उसको हम मानते हैं। तो काल है मंगलवार, तो मंगलवार में खौरो काल ये अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले आज है सोमवार, तो सोमवार को हम लोग मुंडन संस्कार कर रहे हैं, ये शास्त्र विधि की अनुसार। और नहीं तो फिर अपने अपना जो शोभा यात्रा में अब की बार क्या कुछ खास रहेगा, कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ के राजधाम पहुँच रहे हैं जी? बढ़िया संतों, देखिए इस बार शोभा यात्रा सुबह 10 बजे प्रारंभ होंगे। देश विदेश से जितने बहुत भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस मुड़िया मेला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा एवं इस बार विशेष रूप से ठाकुर जी का नित्य निकुंज रासलीला जो हर दिन हो रही है, ये लगातार 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 दिन ये मेला जो है हम लोग मना रहे, तो ये विशेष खास है। ठाकुर जी का नित्य निकुंज लीला ये पहले कभी नहीं हुआ और इस साल में अधिक से अधिक संख्या में देश विदेश से भक्त लोग आ रहे हैं और मुड़िया शोभा यात्रा में भाग लेकर के अपना जीवन को सफल मनाएंगे। और आपकी चैनल के माध्यम से जो भक्त लोग मुड़िया मेला में आए हैं उनको भी हम हार्दिक बधाई स्वागत करते हैं और ठाकुर जी का तरफ से विशेष आशीर्वाद है। और जो भक्त लोग नहीं आ पाए, ठाकुर जी का कृपा उन पे भी बरसे और हम चाहते हैं वो भी कभी ना कभी ठाकुर जी का इस धाम में आए और मुड़िया मेला में भाग लेकर के अपना जीवन को सफल मनाए। मुड़िया संत रामकृष्ण दास सबको हार्दिक बधाई देते हुए